अब झारखंड प्रदेश में कुछ एक दिनों के बाद चुनाव होना है। हम ये देखें कि इस प्रदेश में इस 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, लेकिन 5 वर्षों में हेमंत सोरेन को ये जवाब देना होगा और पूरे 5 वर्षों का उनको हिसाब भी देना होगा उन्होंने क्या काम किया। आपने ये पहले ही घोषणा किया था गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, तो आपने वो 72,000 रुपया नहीं दिया, वो तो कम से कम देते हिसाब करके एक बार, तो हम भी आ करके हम लोग भी पहुंचते लोगों के साथ और हेमंत सोरेन जी को माला पहना देते। ये लोग काम के लिए नहीं, कमाने के लिए सत्ता में ये लोग बैठे हुए, और पूरे 5 वर्षों में इस राज्य को इन्होंने किसके हवाले कर दिया? दलालों के हवाले कर दिया, बिचौलियों के हवाले कर दिया। आज आप देख रहे होंगे कि चुनाव जब नजदीक आया है तो उन्होंने 1,000 रुपया का लॉलीपॉप थमा रहे हैं। आपने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आपने उन 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिया, और आपने यहां तक कि शहीद निर्मल महतो के समाधि में जाकर के उनके और भाषण आप दे रहे थे कि हम शिबू सोरेन के बेटे हैं, अगर 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। अब समय आ गया है, आपने तो संन्यास लिया नहीं, लेकिन झारखंड की जनता इस बार आपको जरूर संन्यास दिला देगी, यही मैं आज आप सब लोगों से कहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस मौसम में आप सब ने देखा कि किस प्रकार से रांची से बाय रोड चल करके आपके बीच आ रहे हैं, जमशेदपुर आ रहे हैं और आपको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि वास्तव में एक ऐतिहासिक ये दिन है, देश के प्रधानमंत्री रांची से सड़क मार्ग से चल करके इस मौसम में भी आपके बीच आ रहे हैं, क्योंकि आप भी इस मौसम में इतनी बड़ी तादाद में यहां आकर के आप उपस्थित हुए हैं। मंच में अपने सारे नेताओं ने आपके बीच में भाषण दिया है, सब आप सबके लोगों ने कहा है, मैं इसलिए उन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा, अब झारखंड प्रदेश में कुछ एक दिनों के बाद चुनाव होना है। हम ये देखें कि इस प्रदेश में इस 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, लेकिन 5 वर्षों में हेमंत सोरेन को ये जवाब देना होगा और पूरे 5 वर्षों का उनको हिसाब भी देना होगा उन्होंने क्या काम किया। आज आप देख रहे होंगे कि चुनाव जब नजदीक आया है तो उन्होंने 1,000 रुपया का लॉलीपॉप थमा रहे हैं। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, अगर आप यहाँ के माँ बहनों के प्रति आपके मन में कोई दर्द होता या तकलीफ होता, आपने ये पहले ही घोषणा किया था गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, तो आपने वो 72,000 रुपया नहीं दिया, वो तो कम से कम देते हिसाब करके एक बार, तो हम भी आ करके हम लोग भी पहुंचते लोगों के साथ और हेमंत सोरेन जी को माला पहना देते, लेकिन 72,000 रुपया प्रत्येक महीना वो साल में देने की घोषणा किया था, 5 साल पूरा हो गया, एक भी लोगों को नहीं दिया। और उन्होंने यहां तक कहा था कि जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, ऐसे लोगों को जो पेंशन मिलता है उसको महीना में 2,500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन आज तक एक भी विधवा को, एक भी वृद्ध लोगों को इन्होंने पेंशन नहीं दिया। आज हम कहते हैं पूरे 5 साल का जोड़ करके हेमंत सोरेन जी, आपने जो वादा किया था उसको आपको तो कम से कम पूरा करना चाहिए। आपने कहा था कि नवविवाहिता महिलाओं को शादी होगी, बच्चों की शादी होते उनको सोने की सिक्का हम देंगे, पता नहीं इन 5 वर्षों में असंख्य लोगों की विवाह शादी हो गई, लेकिन आपने किसी भी बहने को सिक्का नहीं दिया। आपने लोगों के साथ वादा किया और आज आपने धोखा दिया। आपने मां बहनों को कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, किसी ने आपको नहीं कहा था, आपने कहा था कि मां बहनों को महीना में 2 लाख खर्च के लिए 2,000 रुपया देंगे। अब वो 2,000 रुपया के 2 लाख खर्च के लिए हमारी मां बहनें इंतजार कर रही है
कि आज भी समय है कि आप उन 2000 रुपया प्रत्येक महीना जो देने की आपने वादा किया था चुल्लाकर, तो ये 5 वर्षों का हिसाब करके आपको उन्हें देना चाहिए था। आपने इस प्रदेश के नौजवानों के लिए भी घोषणा किया था, आपने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आपने उन 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिया। और आपने यहां तक कि शहीद निर्मल महतो के समाधि में जाकर के उनके और भाषण आप दे रहे थे कि हम शिव सोरेन के बेटे हैं, अगर 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। अब समय आ गया है, आपने तो संन्यास लिया नहीं, लेकिन झारखंड की जनता इस बार आपको जरूर संन्यास दिला देगी। यही मैं आज आप सब लोगों से कहा, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए, और तो और झारखंड के विधानसभा में भी इन्होंने घोषणा किया था, उन्होंने कहा था कि जब रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास नौजवानों को 5000 और एमए पास नौजवानों को 7000 रुपया देंगे। लेकिन पूरे 5 साल गुजर गया, आपने एक भी नौजवानों को भत्ता नहीं दिया। आपने कहा था गरीबों को सब्सिडी में पेट्रोल देंगे मोटरसाइकिल चलाने के लिए, लेकिन आपने वो भी पूरा नहीं किया। आपने घोषणा किया था निर्णय करके कैबिनेट से कि झारखंड के मूलवासी आदिवासियों को 25 करोड़ तक की ठेका हम यहाँ के लोगों को देंगे, प्रायोरिटी में देंगे, लेकिन आपकी सिर्फ वो घोषणा ही घोषणा रह गया है, आपने उसको कोई पूरा नहीं किया है। और इसलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, हेमंत सोरेन जी, आप इस राज्य की जनता को पूरे 5 साल का आपको हिसाब देना पड़ेगा। जनता की अदालत में आपको ये जवाब देनी पड़ेगी, नहीं तो मोराबादी मैदान में लोगों के बीच आकर के झारखंड की जनता से क्षमा मांगिए कि आपने घोषणा किया था, आपने ठगा, अभी भी आप ठग रही हैं। अगर आपको 1000 ही महीनों को देना था तो 1 वर्षों पहले से देते, 6 महीना पहले से देते, लेकिन आपने देना कब शुरू किया? अगस्त में, सितंबर में, जानते हो नवंबर में चुनाव होना है, फिर तो लोगों को देना नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, ये ठग है, ये लुटेरा है, इन्होंने 5 वर्षों में क्या किया? कानून व्यवस्था खराब है, मां बहनों की सुरक्षित, आज मां बहन कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, चोरी है, डकैती है, हत्या है, अपहरण हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आज झारखंड में सबसे अधिक अगर मां बहन पीड़ित है तो वो झारखंड प्रदेश में है, नंबर 1 पर ये राज है महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने में। इसलिए आज इस प्रदेश की यह हालत है, और साथ ही विकास का काम तो रुका हुआ है। आज ये लोग विकास तो नहीं कर रहे बल्कि अपनी विकास कर रहे हैं, ये लोग काम के लिए नहीं कमाने के लिए सत्ता में ये लोग बैठे हुए, और पूरे 5 वर्षों में इस राज्य को इन्होंने किसके हवाले कर दिया? दलालों के हवाले कर दिया, बिचौलियों के हवाले कर दिया, और यहां तक कि भ्रष्ट अफसरों के हवाले कर दिया। और इसलिए आज इस झारखंड प्रदेश में बालू की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है, जमीन की भी यहां लूट हो रही है। भारत सरकार के राजस्व विभाग ने तो दिखा दिया कि यहां पर 1800 एकड़ जमीन की लूट हुई है, 3000 करोड़ की उसमें लेन देन हुआ है, और उसमें भी 1932 के खतियान की ये बार बार कहते हैं, 1932 के खतियान के साथ भी फर्जीवाड़ा करके यहाँ की जमीनों को, आदिवासियों की जमीनों को यहाँ बेचा गया है। और इसलिए हमने हेमंत सोरेन से बार बार कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसकी जांच आप सीबीआई से कराइए, ताकि यहाँ के आदिवासियों की जमीन को बचाया जा सके, यहाँ के आदिवासी बच सके। आज तो झारखंड प्रदेश में, अभी आपको चंपई दादा बता रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है, संथाल परगाने में तो और अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ 1951 की सेंसस में 44% थे, आज वहां मात्र 28% बचे हैं, जहाँ झारखंड, पूर्ण झारखंड में जहाँ उस समय 36% थे,
आज वहां 26% बचे। आखिर यह इस प्रकार की स्थिति क्यों हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार, इसके लिए तो जांच होनी चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार तो कोर्ट को एफिडेविट करके देते, कोई घुसपैठ ये नहीं हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप सचमुच में झारखंड में आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, आदिवासियों की बेटी को बचाना चाहते हैं, आदिवासियों की जमीन को बचाना चाहते हैं, आप उसका सर्वे कराइए, एनआरसी कराइए, ताकि इस प्रदेश के आदिवासियों को बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड की चिंता करती है और इसलिए मैं कहता हूं कि आदिवासियों की चिंता करती है, झारखंड वासियों की, मूल वासियों की चिंता करती है, झारखंड में रहने वाले लोगों की चिंता करती है। झारखंड राज्य के आंदोलन तो कब से चल रहा था, जब देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय से। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 55-60 वर्षों तक राज किया और झारखंड पार्टी से लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा तक उन लोगों के साथ ही रहे, लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों की मांगों को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब जरो नहीं दिया, अलग झारखंड राज्य नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। अब याद करिए 1998 में, 1999 में इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, 3 साल होते होते 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड प्रांत बना दिया। अगर झारखंड के लोगों का कोई मान और सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, जिन्होंने इस राज्य को बनाया है, विकास भी वही कर सकता है। और आज इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, क्योंकि संथाल परगना और देश में 10.5 करोड़ आदिवासी रहते हैं, 700 से अधिक जातियां है, उसमें से एक भाषा संथाली भी है, उन जातियों में से तीसरा सबसे बड़ी आबादी ग्रुप है। और देश की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय संथाली भाषा को भी संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया, ताकि 8वीं सूची में शामिल हुआ आज आईएएस और आईपीएस यूपीएससी के एग्जाम में भी अब संथाली से लिख सकते हैं, पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी संथाली से अब भाषण दे सकते हैं। अगर ये सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कराई। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब थोड़ी ही देर में यहां आने वाले, उन्होंने क्या क्या किया है इस झारखंड के लिए, किस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है। और खास करके कांग्रेस के और जेएमएम के लोग कहते हैं बीजेपी आदिवासियों के विरोधी है, लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई हितैषी है आदिवासियों की तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन भी है, 15 नवंबर झारखंड के उसलिए उसकी स्थापना दिवस भी है, बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को ही उसको समर्पण किया गया झारखंड को। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अगर झारखंड की महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा को किसी ने कोई सम्मान दिया है राष्ट्रव्यापी, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना ही नहीं, आज भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, पहले इसी झारखंड में राज्यपाल हुआ करती थी, आज भारत देश के सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक है। देश के अगर राष्ट्रपति किसी ने कोई बनाया है आदिवासी बहने को, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, जो आदिवासियों को सम्मान दिया, आदिवासियों को मान दिया है। और आज भी देश के अंदर में अब याद करिए, बगल में छत्तीसगढ़ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां पर भी आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बनाया गया है। और साथ ही बगल के उड़ीसा में भी मोहन मांझी आदिवासी संथाल भाई है, उनको उड़ीसा में भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आदिवासियों की मान और सम्मान दिया है,
कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है और कभी भी सम्मान नहीं दिया है। अभी विद्योदा चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर गोलियां अगर किसी ने चलाई है तो कांग्रेस के राज में हुआ है। जमीनों से लोगों को बेदखल किया गया, उनको कोई न्याय नहीं मिला है तो ये कांग्रेस के राज में हुआ है, कोई बीजेपी के राज में नहीं हुआ है। तो ये जो मान और सम्मान अगर किसी ने दिया है तो इस देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो पार्टी इस देश को लूटा है वो है कांग्रेस पार्टी। विकास का काम भी उन्होंने नहीं किया था। हमें याद है 1998 के पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, हम उस समय भारत सरकार में मंत्री थे, गांव जाना पड़ता था 6-6 किलोमीटर पैदल खेत की पगडंडी से। अटल जी को हम लोग कहते थे कि कभी हम लोगों के गांव तक सड़क आएगी कि नहीं, और आपको पता होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भारतवर्ष के गांव गांव तक सड़कें पहुंचा दिया। अगर ये किसी ने काम किया तो इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और अब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं तो गांव के लोगों ने तो सड़कें नहीं देखा था, गांव तक गाड़ी आती जाती नहीं थी। हमें याद है हम लोग मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, बीमार होने के लिए इलाज करने के लिए अस्पताल पैदल जाना पड़ता था कोसों दूर। लेकिन आज अगर ये सुविधा उपलब्ध हुई, शादी ब्याह में भी बहू को लाने बारात जाते थे पैदल जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मिट्टी तेल के लिए झगड़ा होता था, लोग लालटेन और ढिबरी के लिए लोग लड़ाई लड़ते थे। लेकिन देश में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो आज भारतवर्ष के गांव तक बिजली पहुंच गई, झारखंड के गांव में भी बिजली पहुंच गई, और आप तो कोई करासन तेल मिट्टी तेल के लिए झगड़े नहीं। अब प्रधानमंत्री हम सब लोगों के बीच में 5 मिनट के अंदर में आ जाएंगे या 2-3 मिनट में आ जाएंगे, बिल्कुल करीब आ गए हैं, और इसलिए हम सब लोग एक बार प्रधानमंत्री जी का जयकारा कराएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं कह रहा था कि आज अगर गांव में हम बिजली देख रहे हैं, घरों में बिजली देख रहे हैं, गांव तक सड़कें देख रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार की ये देन है। नहीं तो गांव घरों की क्या हालत थी, कांग्रेस ने 55-60 वर्षों तक राज किया लेकिन गांव की चिंता नहीं किया कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, किस हालत में लोग रहते हैं। अगर इस काम को किसी ने पूरा किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही मैं निवेदन कर रहा हूं, जो हमारे विकास के लिए काम करता है, जो हमारे लिए चिंता करता है, हमें उनके साथ चलना है, उनको मजबूत करना है। और झारखंड में भी जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो यह विकास का काम हुआ है। आप सबको याद है मैं उस कामों को गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज जब जब इन लोगों ने सरकार बनाते हैं सिर्फ लूटने का काम करते हैं। आज तो इन्होंने हेमंत सोरेन ने रांची से लेकर के दुमका तक ना जाने कितनी लोगों की जमीनों को इन्होंने लूटा है, लुटवाया है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.